हेलो बच्चों, क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक लॉज ऑफ मोशन के हम लोगों ने चार लेक्चर कंप्लीट कर लिए। पहले लेक्चर में सिंपल आपको फोर्स इनर्शिया इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया। दूसरे लेक्चर में इम्पल्स, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये सब कंप्लीट किया। तीसरे लेक्चर में कनेक्टेड मोशन कंप्लीट किया हम लोगों ने, और चौथे लेसन में कॉन्टेक्ट बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ना है, फ्रिक्शन। बढ़िया टॉपिक है, पहले से ही बता दूं आपको, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन के लॉज पढ़ाऊंगा, और एक्सेलरेशन बॉडी का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, वर्क डन, इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर नीचे जाना, तो लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बिल्कुल बेसिक मिल जाए, फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो आपने 6th 7th में पढ़े हो, तुमको लगे यार ये तो बेसिक चलेगा, लेकिन लास्ट में आके आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन नाम सब जानते हैं भाई, फ्रिक्शन का किसे कहते हैं? फ्रिक्शन जब कोई बॉडी मोशन में हो उसके अपोजिंग फोर्स लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेसिक चीज है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन सबको पता है। जब कोई ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो, इस प्रॉपर्टी को फ्रिक्शन कहते हो। ये बात आपको पता चल गई, ठीक है भाई, इसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बेसिकली है क्या फ्रिक्शन, होता क्यों है, क्या रीज़न निकल के आते हैं इसके, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो होता क्या है, दो सर्फेसेस के बीच के कॉन्टेक्ट में आती है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले सर्फेस जिस पर आप चल रहे हो और एक वो जो बॉडी का सरफेस है, जब दोनों कांटेक्ट में आए तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं वो अपोजिंग डायरेक्शन में लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के मोशन में रिडक्शन आता है। तो जो फोर्स रिड्यूस करता है उसको आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हो, ठीक है। इसके टाइप्स अगर हम पढ़ें तो टाइप्स में पहला हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये रेस्ट पे है, चलने वाली हो या ना चल रही हो, तो इस टाइम पे जो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मीन रेस्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो। कंडीशन, अगर सिंपल कोई बॉडी बैठी हुई है या रेस्ट पे है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली चीज, अगर बॉडी रेस्ट पे है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ये इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। बात समझ आ गई? ठीक है, मान लो ये 10 न्यूटन में चलने लग जाएगा तो 9 point something तक का फोर्स क्या कहलाएगा आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बात और बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? पहली बार में समझ आ गया सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक है, 10-5 मिनट, बोर मत होना, चाहो तो इसको थोड़ा जल्दीबाजी में सुन लेना ना आता हो तो, और अगर अगर नहीं आता तो इसके नोट्स बना लेना, अभी आपको डेरिवेशन तुरंत मिलने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरी बात हम करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे साइकिल का एग्जांपल ले लो, कभी अक्सर होता है ना, रोड पे हम खड़े हो जाते हैं, साइकिल के ऊपर चढ़े हुए हैं, चला रहे थे साइकिल, कोई मिल गया, ब्रेक मारी, खड़े हो गए, अब चलने वाले हैं, पेडल में पाँव रख रखा है, बात करें भाई मैं जा रहा हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जा नहीं रहा लेकिन मैं जा रहा हूँ, तो जो पहला पैडल जब तुम मारते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एंड इट इज़ वॉट, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी तो स्टैटिक है ना, अब उस स्टैटिक पे तुमने क्या करा, फोर्स लगाना शुरू करा जब तक कि मोशन में ना आ जाए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो। दूसरी बात समझ आ गई? बिल्कुल, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक वैल्यू की, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग, बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, बिल्कुल सही लगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या डिफाइन कर सकते हो? जब बॉडी रेस्ट पे होती है, चलने से पहले उस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अगला आता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ऐसे छोटी छोटी बातें करते हैं।
काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर जो जो फोर्स लगता है वो आपका क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मीन जब कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही हो उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स काम करता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉडी रोल कर रही हो तब उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। दिमाग में क्वेश्चन क्लिक किया, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन ज़्यादा है? सोचो, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा? मैंने बताया बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। सर क्यों? क्योंकि जब बॉडी रोल करती है ना, रोल, तो उस टाइम पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, स्लाइड में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो ज़्यादा होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। टाइप समझ आ गए आपको? क्या क्या पढ़ा हमने? स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये फ्रिक्शन के आपने बेसिक टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म में आते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अब मैं पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा नहीं बताऊँगा कि ये बॉडी का वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर है, कोई कोई इसको नॉर्मल एन बोलता है। मान लो बॉडी का मोशन इधर कराना है, मान लो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये चार पॉइंट्स आपको, चारों फोर्सेस क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन आर ऊपर, वेट नीचे, अगर मोशन इधर होना है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लॉज में पहला लॉ स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन आर के। कैसे? मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन आर और वेट दोनों बराबर होते हैं, आर इक्वल एम जी होता है, जानते हो बात। अब जिसका वेट ज्यादा है उस पर फ्रिक्शन भी तो ज्यादा लगेगा। वही कई बार एग्जांपल देता हूँ, रोड पे 100 किलो के अंकल जी दौड़ रहे हैं, 40 किलो के अंकल जी दौड़ रहे हैं, फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा लग रहा है? 100 किलो के अंकल जी पे। क्यों? क्यों? उनका वेट ज़्यादा है। तो मैं नहीं कह सकता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन आर के, बिल्कुल कह सकता हूँ। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन आर के, पहला लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। सेकेंड पॉइंट ये पढ़ते हैं कि क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शेप और साइज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करेगा। शेप कैसी है, साइज कैसा है, एरिया कैसा है, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। एरिया किसी नेता का हो या एरिया किसी हीरो का हो, उस पे यार फ्रिक्शन से क्या मतलब, किसी का भी हो। हाँ, ये रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा। तो अगला पॉइंट आप ये दे सकते हो कि जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस के रफनेस पे और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन शेप, साइज और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। स्मूथ होगा तो कम सरफेस, कम फ्रिक्शन लगेगा, रफ होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो तीनों लॉस क्लियर होने चाहिए। पहला क्या है बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, शेप, साइज और एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस पर ये डिपेंड करता है। कहानी समझ आ गई, लॉस समझ आ गए, पॉइंट थे ये दो। फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हो, फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करते हो, बेसिक पॉइंट है। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करते हो, उसकी रफनेस बढ़ा के, डिक्रीज कैसे करते हो, उसकी स्मूथनेस बढ़ा के। तो ये सारी चीज़ें हम फ्रिक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज में पढ़ लेते हैं। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमको पढ़ना है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। एज वी नो, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, जानते हो, इक्वल टू म्यू आर। ये जो म्यू होगा, ये म्यू ही कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो म्यू इक्वल क्या जाएगा? एफ बाई आर, मीन फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आर का रेशियो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। दोबारा समझो, फ्रिक्शनल फोर्स
और नॉर्मल रिएक्शन आर का रेशियो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी भी न्यूटन कट गई, यूनिटलेस। म्यू आपका यूनिटलेस होगा। म्यू किस बात पर डिपेंड करेगा? सोचो किस बात पर डिपेंड करना चाहिए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे हिसाब से टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए। सरफेस का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दो, बिल्कुल डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपका टेम्परेचर पे मेनली डिपेंड करता है और ये यूनिटलेस होता है। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आर का रेशियो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हर एक फ्रिक्शन के लिए। म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, म्यू आर मतलब रोलिंग फ्रिक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आ गई। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ना है आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन समझ लेना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, किसे कहते हैं। तो पॉइंट बनाते हैं। ये बॉडी है, बिल्कुल है, ये इसका वेट काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर काम कर रही है, मोशन जा रहा है इधर, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझो बड़े ध्यान से, पहली बार में डिफरेंस समझ आएगी। फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन आर का रिजल्टेंट, ये जा रहा होगा, बिल्कुल जाने दो। दोबारा समझो, फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन आर का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और ये यार कितना बढ़िया तरीके समझ आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स एफ और नॉर्मल रिएक्शन आर का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। बिल्कुल सही है, टेक्निकल टर्म थी, पूरी बात समझ आ गई। पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करते हैं। अब म्यू और थीटा के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। तो अगर म्यू और थीटा के बीच में मैं रिलेशन के लिए जाऊं, तो मान लो ये आर पॉइंट में मैंने पूरा इसको बोल दिया, इसको पूरा एफ पॉइंट बोल दिया, इसको ओ कह लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी टेन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस ओ ए। तो टेन थीटा इक्वल ए सी की वैल्यू क्या है, ओ बी, ओ बी की वैल्यू क्या है एफ, ओ ए की वैल्यू क्या है आर, एफ बाई आर क्या होता है म्यू। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया म्यू। ये होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर मेक्स द एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज टेन थीटा इक्वल म्यू या म्यू इक्वल टेन थीटा। ओके, तो यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा आपको। ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़ा सा और आज हम लोग वक्दन तक निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करेंगे, डिराइव करके उन फॉर्मूलों को तुम एक साथ कॉपी में लिख लेना, जो कि काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी। ठीक, अगला वर्ड आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, रिपोज किसे कहते हैं। सपोज करो यहां पे एक बॉडी है, कुछ भी बैठी हुई है, ऐसे समझो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था। अब मैंने इस प्लेन को क्या किया बेटा, थोड़ा सा इंक्लाइन करना शुरू करा ऐसे, तो क्या ये चीज यहां पे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो देखो कहानी क्या बनेगी, जैसे जैसे इस प्लेन को ऊपर उठाओगे, हो सकता है ये बॉडी धीरे 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 स्लाइड करना शुरू करे, कुछ एंगल पे स्लाइड, मान लो इस पे स्लाइड नहीं कर रही थी, इस पे स्लाइड करने लगी, तो वो प्लेन का वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसमें द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, स्लाइड करना स्टार्ट करती है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। जैसे ऐसे रखा हुआ ये मान लो कपड़ा जो डस्टर की फॉर्म ऐसे रखी हुई है, अब देखो ऐसे 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 मैं घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ घुमाता जाऊँ, तो ये देखो ये स्लाइड करना शुरू हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इन विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा।
वर्ड समझ आ गया? इस सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी का वेट तो mg काम कर रहा था, अब अगर ये गया है तो r देखो ऐसे जाएगा, जाना ऐसे चाहिए था अल्फा एंगल से, है ना। तो इस mg के दो कंपोनेंट बने, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये आया mg cos अल्फा, ये आया mg sin अल्फा। अब जब बॉडी इधर को स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। इस सिचुएशन में आर किसके बराबर है, एम जी कॉस अल्फा के, एफ किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा के, दोनों डिवाइड कर दो तो एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा किसके बराबर आ गया, एफ बाई आर के। एफ बाई आर क्या होता है, म्यू, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो म्यू इक्वल क्या आ गया, टेन अल्फा। हर एक जगह नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपका थीटा और अल्फा बराबर हो सकते हैं, क्योंकि म्यू इक्वल टेन थीटा भी आपने निकाला है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज समझ आ गए, बिल्कुल क्लियर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन आर का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन जिसमें द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जिसमें बॉडी क्या करती है बेटा, स्लाइड करना स्टार्ट करती है, उसको आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ रिपोज कहते हो। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होगी, अब हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन निकालेंगे, इस बार क्या है, फ्रिक्शन का खेल है, मतलब म्यू लगना है। तो अब तक के जो आपने फार्मूले पढ़े, एक फार्मूला पढ़ा एफ इक्वल म्यू आर, म्यू इक्वल एफ बाई आर पढ़ा, वो फार्मूला काफी ज्यादा लगेगा। आर इक्वल एम जी कॉस अल्फा पढ़ा, वो फार्मूला ज्यादा लगेगा। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए निकालेंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला पढ़ते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम लोग निकालते हैं, है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन आप निकालते हो, तो सबसे पहला वर्क डन निकालते हो हॉरिजॉन्टल सरफेस का, वर्क डन ऑफ अ स्लाइडिंग बॉडी इन हॉरिजॉन्टल सरफेस। कॉन्सेप्ट समझो, मान लो ये कोई बॉडी यहां रखी हुई है ए पे, इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, एम जी ए लग रहा होगा, आर ये लग रहा होगा, इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है सरफेस का, ठीक। ए से उठा के बी पे लाना है ना, एस डिस्प्लेसमेंट है, बी पे लेके आना है, इसको खींचते हो ऐसे, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। सिचुएशन देखो, वी हैव आर इक्वल क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। एफ इक्वल क्या होता है, म्यू आर, तो F इक्वल क्या आ गया, म्यू एम जी, क्योंकि स्लाइड होगा तो ये फोर्स और मोशन वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास फोर्स आ गया। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W क्या आ गया, म्यू एम जी एस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगेंस्ट आपका वर्क डन होगा, म्यू एम जी एस। बॉडी को स्लाइड करना है, ध्यान रखना, भगा के नहीं लाना दौड़ा के, स्लाइड की कंडीशन पे मैं लगाया म्यू एम जी एस। जो तुम कहते हो सर मैं तो भगा के लाऊंगा तब बताओ, उसके लिए अलग बताएंगे सर, है ना। चलो, एफ इक्वल म्यू एम जी एस आ गया, ये सारे फॉर्मूले बेटा लिखते रहो फटाफट। अब आपको बॉडी को क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है इंक्लाइन प्लेन में। आज ये सारे फॉर्मूले मैं बता दूंगा विद एक्सेलरेशन तक कि किस तरीके से आपको निकालना है। वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग अप इन इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन में ऊपर की तरफ क्या करना है बेटा, काम करना है, तो हमें उसका वर्क डन चाहिए। क्या करें, ये सपोज करो एक प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, बॉडी यहां रखी है,
इसको उठा के ए से बी तक ले जाना है, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट। काम कितना होगा, कहानी बिल्कुल साफ है। चलो करते हैं काम। ये क्या आया, एम जी, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, ये क्या आएगा, एम जी कॉस अल्फा, ये क्या आएगा, एम जी साइन अल्फा। बॉडी को काम किधर करना है, इधर काम किधर करना है, बोलो, ऊपर की तरफ। तो मोशन किधर होना है इसका, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा। यही कहानी समझने वाली है भाई, मोशन ऊपर की तरफ लगाना है ना, तो फ्रिक्शन तो नीचे की तरफ ही आएगा। तो आर ये आ गया, ठीक है, वी हैव आर इक्वल क्या आएगा, एम जी कॉस अल्फा। डायग्राम देखो, मोशनल फोर्स पी जो आएगा वो आना चाहिए एम जी साइन अल्फा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोने की बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर, तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू एम जी कॉस अल्फा आ जाएगा। पुट करो, पी इक्वल क्या आ गया, एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फा। पी क्या आ गया, एम जी कॉमन ले लो, साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, मोशन आ गया, ठीक। वर्क डन निकालो, वर्क डन हमारे पास डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने पी फोर्स ले लिया है, मोशनल फोर्स, तो एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इंटू एस, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आएगा। कब, जब आप बॉडी को जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे होगे। कहानी समझ आ गई, अगर आप बॉडी को जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, एम जी साइन अल्फा इंटू प्लस म्यू कॉस अल्फा इंटू एस। ये बात बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, ऊपर ले गए बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने वर्क डन करा लिया, इंक्लाइंड सरफेस पे करा लिया, अब बॉडी को डाउन लाना है। मान लो मैं कह दूं आपसे कि मूविंग डाउन लाना है, तब आप क्या करेंगे, मूविंग डाउन की कंडीशन पे आपका बिल्कुल डायग्राम भी अलग बनेगा, कॉन्सेप्ट भी अलग बनेगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी टेक्निक है, वो समझनी पड़ेगी आपको। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी को सरफेस से मूव करा के नीचे की तरफ लेके आना है, मतलब काम करना है, काम करना है, तो बॉडी अपने आप नहीं आ रही होगी, उसे हम लेके आएंगे। अगर उसे लेके आना पड़ेगा तो जो इंक्लाइंड है, सपोज करो ऐसे, ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, अल्फा एंगल है, बॉडी को ए से उठा के बी पे लेके आना है इस डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक बात ये बताओ कि अगर हमें नीचे की तरफ लाना पड़ेगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, ज्यादा होगा, सोचो भाई। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, बॉडी स्लाइड करने लग गई, बॉडी स्लाइड करने लग गई तो हमें काम नहीं करना, काम नहीं करना, समझो सीधा अपने आप आ जाएगी। काम करना है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से कम होना चाहिए। लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा इस सिचुएशन पे एंगल ऑफ रिपोज से, कम होगा तो लाएगा नहीं, लाना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये कम हो गया, तुमने मुझे बता दिया कि ये कम है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, एम जी एल्फा एंगल, एम जी कॉस एल्फा, और इधर क्या बनेगा आपका, एम जी साइन एल्फा, ये बनेगा आर। बॉडी को लाना भी नीचे ही है, मोशन भी इधर हो रहा है, तो इसका फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ हो रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर होगा। तो मैंने सबसे पहले देखा आर कितना है मेरे पास, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा है, तो जो मोशन है मेरे पास पी वो क्या है बताओ, नीचे की तरफ ला रहे हो ना,
अगर आप मोशन को नीचे की तरफ ला रहे हो तो कंडीशन क्या है, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ होना चाहिए या एफ माइनस एम जी साइन अल्फा होना चाहिए, इतनी बात समझा दो मुझे, समझो बात को, दोबारा समझो, एम जी साइन अल्फा आपका किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको करना क्या है, आपको बॉडी नीचे लानी है ऊपर ले जानी है, सर बॉडी मुझे नीचे ले जानी है, बॉडी अगर मुझे नीचे ले जानी है तो मैं क्या करूंगा बताओ, करना क्या चाहिए भाई, खुद सोचो ना तुम, एक बार बताओ छक्के आना चाहिए इस सिचुएशन में, कि आपका मोशन नीचे की तरफ लेके आना है और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी साइन अल्फा का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एफ ज्यादा था आ नहीं रहा था, साइन अल्फा नीचे था, तो इस सिचुएशन में मुझे एफ माइनस एम जी साइन अल्फा मिल जाना चाहिए, मिल जाना नहीं मिल जाना चाहिए, तो मुझे मिलना चाहिए एफ माइनस एम जी साइन अल्फा, एफ क्या होता है म्यू आर माइनस एम जी साइन अल्फा, तो म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा, तो पी आपके पास क्या आ गया, एम जी कॉमन ले लो, म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो वर्क डन क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल पी इंटू एस एम जी म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू एस, ये आ गया आपके पास वर्क डन, ठीक। अच्छा ये तो वर्क डन की बात रही, अब बॉडी को नीचे लाते टाइम में एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन अगर निकालना है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा बेटा, नोट कर लो, एक एक पॉइंट नोट करते चलना, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा थे इसलिए, अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी, एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी मूविंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, इसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी मूविंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन में मूविंग डाउन है, ये देखो सेम कॉन्सेप्ट है, बॉडी ए पे रखी है, बी पे अपने आप आ रही है ऐसे, या बी का काम ही खत्म करो, तो एक्सेलरेट कब होगी, अपने आप कब आएगी, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा, तो इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होना चाहिए वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, एम जी ये लगा होगा, ये एम जी कॉस अल्फा आया होगा, ये अल्फा, ये एम जी साइन अल्फा आया होगा, ये फ्रिक्शन आया होगा, तो मोशन जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, एम जी साइन अल्फा इस बार साफ साफ दिख रहा ज्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा, एफ इक्वल क्या होता है म्यू आर, और आर की वैल्यू क्या है आपकी एम जी कॉस अल्फा, तो एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा, मोशन क्या है एम में, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एम जी कॉमन ले लो, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए इक्वल क्या आ गया जी साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, ये बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने फ्रिक्शन का बेसिक टर्म वन कंप्लीट किया आपका, फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन एक्सेलरेशन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ये सारे फॉर्मूले बेटा एक नहीं दो बार देख के इन चीज़ों को कंप्लीट करने लगा, बहुत काम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके बेटा थैंक यू।